लखीमपुर खीरी और जो प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया है, जाने नहीं दिया गया, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट वाड्रा जी, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसको किस ढंग से देखते हैं? पहले तो मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने जो प्यारों को खोया है। वो अपने काफ़ी टाइम से किसान की सुनवाई नहीं हो रही है, वो अपने आंदोलन पे बैठे हैं और उसके बाद जो मिश्रा जी की सिक्योरिटी या उनकी गाड़ी है उनके ऊपर गाड़ी चला देते हैं और उनकी मौत होती है। और मुझे यही भी पता चला है कि बीजेपी के लोगों की भी मौत हुई है और एक आपके कुलीग जो एक पत्रकार हैं उनकी भी हुई है मौत। तो इन चीज़ों से पूरा देश बहुत दुख महसूस करता है कि उनकी ये ऐसा मौका नहीं होना चाहिए कि अगर कोई किसी की मौत होती है फिर उनकी सुनवाई होगी या कुछ ध्यान दिया जाएगा। पर देखिए जितने भी लोग यहाँ दुखी हैं मुझे हमेशा लगा है कि वो प्रियंका बाहर आते हैं और मतलब उन लोगों से मिलते हैं, पर जिस तरीके से व्यवहार किया है जो पुलिस ने, और मुझे पता है कि मेरी बेटी बेटे ने और हम बहुत चिंतित थे क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, क्या सुरक्षित कैसे सुरक्षित रहेंगे महिलाएं? जैसे अगर आप देखते हैं प्रियंका खाली उन परिवारों से मिलना चाह रहे हैं जिन्होंने अपने खोए हैं प्यारों को और उनके दुख में सम्मेलन होना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और वो सहायता देना चाह रहे हैं, उनको रोका जा रहा है और रोका इस तरीके से जा रहा है कि उनको धक्का मुक्की हो रही है और मतलब कि खींचा जा रहा है और बिल्कुल गलत हो रहा है। और जब वो इस तरीके से ये माहौल होगा तो ज़रूर सारे कांग्रेस के लोग उठेंगे और देश भर में बाहर आएंगे और कोशिश करेंगे कि लखीमपुर में पहुंचे और मतलब आप देखेंगे कि ये मामला टल नहीं होगा, वो आगे बढ़ेंगे और उन किसानों के लिए और उन परिवारों के लिए वो जो भी कर सकते हैं कांग्रेस के लोग करेंगे। लेकिन रॉबर्ट जी, वो प्रशासन का ये कहना धारा 144 लगी है, माहौल खराब हो सकता है, इसलिए किसी भी नेता को नहीं जाने दिया, चाहे वो अखिलेश हो उनको भी डिटेन किया गया वहां पर, चाहे बाकी पार्टियों के नेता हो, इसलिए प्रियंका गांधी जी वहां जा रही थी उनको भी रोक दिया गया। तो उनका कहना है कि धारा 144 लगी है, वहां पे ना किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए उन परिवारों को अगर आप जिस तरीके से अब थोड़ा सा मुआवजा देंगे या कुछ सहायता देंगे जो वहां के जो गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल से उससे बात टलेगी नहीं। और आप जितने लोगों को रोकते रहोगे वो किसी ना किसी तरह उन परिवारों के पास पहुंचेंगे क्योंकि वो भी दुख महसूस कर रहे हैं कि इस तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सालों से बैठे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कि कोई तो उनके साथ होना चाहिए। देखिए दबाव तो सबके ऊपर डाला जा रहा है। मैं 7 साल से हमारे यहाँ पूरे टाइम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं और दबाव डालते हैं, पर हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम उठेंगे, देशवासियों के लिए उठेंगे और सब लोग पहुंचेंगे, चाहे आप कोई भी धारा लगाइए, पर मतलब कि रुकेंगे, वहीं बैठेंगे और उन परिवारों से मिलके रहेंगे।